कि पहले यह कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। कल तक जाकर के छेद वाली टोपी पहनवा करके और बेशक रोजा न रख के रोज जो है वो मुर्गा और मसल्लम काटा जाता था और सरकारी पैसे पर इफ्तार की पार्टी होती थी, तब इनको सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। जुमा में नमाज पढ़ने की बात आती, साहब बाहर पढ़ रहे हैं तो बड़ी आपत्ति, साहब मैंने अंदर कर दिया, मैंने माइक उतरवा दिए, सबको ठीक कर दिया, ये सब होता है ना। लेकिन वही हम देखते हैं कि कावड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल भी बस। हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, तब सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। मुसलमानों को एक देश मिला है, 23% नहीं 14% मुसलमानों के लिए 35% जमीन मिली, विभाजन के बाद हिंदुओं को क्या मिला? जब से मरकज में मोदी जी की सरकार आई है और यूपी में योगी जी की सरकार आई है, हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यदि हिंदू तुष्टीकरण होता तो वर्शिप एक्ट को प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में गाड़ दिया जाना चाहिए। एक अपने राम के मंदिर को प्राप्त करने के लिए भी कोर्ट तक 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए हिंदू 70 साल से लड़ाई लड़ रहा है। देवता कौन है? नहीं, अरे आप तो इसी तरीके से बोलते हैं, देवते आप है, आप देवते हैं, आपका तमीज है, किस देवते को नहीं, आप बदतमीज है, अपने सामान नहीं जानते, चुप रहो तुम, सामान नहीं जानते आप। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है आरएसएस के समर्थक संगीत रागी और इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में एंकर अनुराग मुस्कान ने ये इस्लामिक स्कॉलर को पूछा कि आपको क्या लगता है कि योगी जी धर्म देखकर बुलडोजर चलाती है क्या? तब ये स्कॉलर ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक इस देश में मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और अब तो बीजेपी की सरकार हिंदू तुष्टिकरण, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। फिर उनकी ये सवाल के जवाब में जब संगी संगीत रागी सबूत के साथ बोल खोलना शुरू किया, तब ये स्कॉलर बखला गए और संगी को डिस्टर्ब करने लगा। फिर संगी ने उनकी जो जमकर पिलाई किया वो देखकर बड़ी आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब, जब भी बुलडोजर चलता है तो ये भी आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि वो धर्म देख करके चलता है, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए चलता है। क्या आपको भी ये लगता है कि, देखिए अभी साफ तौर पर अग्निहोत्री जी ने कहा कि बुलडोजर तो अखिलेश यादव भी चला रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए, वो भी बुलडोजर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा है या वाकई आपको लगता है कि बुलडोजर राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है? नहीं देखिए मुस्कान जी, आपने जो कहा कि क्या वाकई एक खास मजहब को टारगेट किया जाता है, भले ही ये खास मजहब को टारगेट ना भी किया जाए लेकिन प्रोपगंडा वही किया जाता है। अच्छा, और उसकी वजह यह है कि उन्हें पोलराइजेशन करना है। और जो अक्सरियत तबका है, मैंने कई बार कहा कि पहले ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जब से मरकज में मोदी जी की सरकार आई है और यूपी में योगी जी की सरकार आई है, हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो 80% है तो हम 51% हासिल कर लें, 51% हासिल कर लें, बाकी में लोग लड़ते रहें। और उसको हासिल करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये देखिए साहब आपका राज आ गया है और कुछ भी होगा आप बचे रहेंगे, लेकिन ये जो सीना चौड़ा करके चलते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुगलों का दौर, भाई आप देखिए ना कि जो बयानात आते हैं, जो इशारे होते हैं वो क्या कहते हैं, ये यूं ही परसेप्शन नहीं बनता है। इसलिए और फिर आप देखिए कि कार्रवाई, अगर आप देखेंगे हम माइनॉरिटी में हैं लेकिन जो कार्रवाई है वो मेजॉरिटी में है, तो इसलिए ये बात कही जाती है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। आपने हिंदू तुष्टीकरण की बात की, वो कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है और खुल्लम खुल्ला कर रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप बताइए कि जुमा में नमाज पढ़ने की बात आती है, साहब बाहर पढ़ रहे हैं तो बड़ी आपत्ति, साहब मैंने अंदर कर दिया, मैंने माइक उतरवा दिए, सबको ठीक कर दिया, ये सब होता है ना। लेकिन वही हम देखते हैं कि कावड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो देख रहे हैं वो बताएं। इसी तरीके से क्या मैंने पहले भी कहा था कि क्या ये बताइए दिवाली में जिस तरीके से दिए जलाए जाते हैं, क्या ये सरकार का काम है कि वो दिए जलाएं? या जिस तरीके से पूजा पाठ, आप ठीक है आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं लेकिन बहैसियत मुख्यमंत्री
आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने जो शपथ ली है, जिस संविधान की शपथ ली है, तो वो क्या है कि हम किसी खास तबके, बार बार यहां पे होता है साहब सेकुलरिज्म, मैं कहना चाहता हूं देखिए सेकुलरिज्म जो है वो ये नहीं है कि तमाम मजाहिब के लोगों को एक कर दिया जाए, नहीं, बल्कि सरकार जो है वो सेकुलर रहेगी और जो तमाम मजाहिब हैं उनको एक आंख से देखेगी, ये है सेकुलरिज्म, वो नजर नहीं आ रहा है। इस चीज को डिफाइन करना चाहिए सरकार को, वरना ये शिकायत तो देखिए हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। मैं इसको डिफाइन गौरव भाटिया से करवा लूंगा, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी से मैं जानना चाहूंगा, संगीत रागी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टिकरण कर रही है? देखिए, कल तक जाकर के छेद वाली टोपी पहनवा करके और बेशक रोजा न रख के रोज जो है वो मुर्गा और मसल्लम काटा जाता था और सरकारी पैसे पर इफ्तार की पार्टी होती थी, तब इनको सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। यही नहीं, अभी और सुनिए, हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी तब सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं, मैं इसे बार बार दोहराता हूं, मुसलमानों को एक देश मिला है, 23% नहीं 14% मुसलमानों के लिए 35% जमीन मिली, विभाजन के बाद हिंदुओं को क्या मिला? उठ क्वेश्चन, एक अपने राम के मंदिर को प्राप्त करने के लिए भी कोर्ट तक 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए हिंदू 70 साल से लड़ाई लड़ रहा है, काशी और मथुरा के मस्जिदों के पाकी और मथुरा में अभी भी मस्जिद कायम है, ईदगाह कायम है, 40,000 मंदिर जिस पर मस्जिद तोड़ करके बनाई गई है वो कायम है, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रभु राम ने अयोध्या में ही प्लीज अयोध्या में हरा दिया। मूर्खता मत करें, मूर्खता मत करें, प्रभु राम ने तो आशीर्वाद दिया नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान को जानते हैं वो। अरे राम राम मंदिर तो अखिलेश यादव भी नहीं गए अब तक, आपको दर्शन करने तो अखिलेश यादव भी नहीं गए अब तक। अरे प्रभु राम ने, प्रभु राम का आशीर्वाद हम भाजपा, ठीक है, संगीत रागी जी को खत्म कर लेने दे, अभी अभी मेरे दो मेहमान बचे हुए हैं, शुभ्रांश राय बचे हुए हैं अभी और अनिल दुबे बचे हुए हैं, भाई सबको मौका देना है मुझे बराबर, बोलिए संगीत रागी। इस मूर्ख हरा कुर्ते वाले को क्यों नहीं, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं संगीत रागी जी, मैं आपत्ति जाता नहीं, तो फिर आप वो भी मेरे सम्मानित मेहमान है, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान है, मैंने उनसे निवेदन किया और वो चुप भी हो गए, अब आप बोल लीजिए। हरा कुर्ता नहीं, नहीं नहीं इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी, आप फोन करके बोल दिया करिए, आप इनको पर्सनली फोन करके बोल दिया करिए, मेरे डिबेट में नहीं, हरामी हो, मैंने खुद इनसे कह दिया कि आप जब तक नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब आगे इनको हरा कुर्ता भिजवा दीजिए, मन शांत हो जाएगा और ये हरी भरी चीज को समझ जाएंगे कम से कम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनुराग भदौरिया, मैंने आपत्ति जता दी, अब आप चुप हो जाएं, अब आप चुप हो जाएं। संगीत रागी बोलिए, यदि हिंदू तुष्टिकरण होता तो वर्शिप एक्ट को प्रशांत हिंद महासागर में गाड़ दिया जाना चाहिए, यदि हिंदू तुष्टिकरण होता तो यह वक्फ बिल को फाड़ करके इस पूरे देश में हिंदुओं को होली जलानी चाहिए थी और सरकार को ऐसे होली जलाने में समर्थन करना चाहिए था, यदि होता तो ये जितने मदरसा हैं और ये जितने मस्जिदों को ये इमामों को जो पैसा दिया जा रहा था वो सब बंद कर दिए जाने चाहिए, ये जितने टैक्स हिंदुओं के टैक्स पर जो इमामों को पैसे दिए जाने चाहिए थे वे सारे बंद हो जाने और चाहिए। आप ये बताइए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, नहीं अगर मैं आपसे सवाल करूं, एक मिनट आप सवाल करने वाले कोई नहीं होते, क्या चीज आपको नहीं मिली, आप ये बताइए, आजादी के बाद से क्या चीज आपको नहीं मिली, हर थाने में मंदिर आपके यहाँ मौजूद है। मुमताज आलम रिजवी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, क्या चीज आपको नहीं मिली? हमने तो एतराज नहीं किया, हमने तो ये कहा कि हम पे इल्जाम लगता है कि तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण, और मिला कुछ भी नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी गवाह है, बाकी ये भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले अगर इनको कुछ नहीं मिला तो, लेकिन मैं गिनवा सकता हूँ कि 47 के बाद से भाई अब तक बीच में आप ये बताइए जितने असलहे अब तक बने हिंदुस्तान में, मुस्कान मैंने सबको के नाम से बने, बदतमीजी थानों में क्या मंदिर नहीं मौजूद रहा है, या किसी ये बेवकूफी कौन कर रहा है? ठीक है, ठीक है, संगीत रागी जी कौन है, जल्दी से खत्म कीजिए, बेहुदा कौन है? नहीं नहीं, अरे आप तो इसी तरीके से जबान बोलते हैं, इस तरीके की बेहुदे आप है, नहीं कौन बेहुदा, आप बेहुदे, आप
बदतमीज है, किस तरीके की नहीं, आप बदतमीज है मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको सलीका नहीं बात करने का, कम से कम मत बोलिए। मैं और आप टीचर होकर किस तरीके की बात करते हैं, मैं उन पर आपत्ति जताता, लेकिन सबको बेहूदा कह रहे, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है मुस्कान जी, ठीक है मैं लाता हूं संगीत रागी, आपको लाता हूं के टीचर, अभी अभी बेहूदा हो जाएगा नहीं तो। चलिए शुभराज होकर के आप तमीज नहीं, सलीका नहीं है बोलने का, जबान नहीं जानते, चुप रहो तुम, ठीक जबान नहीं जानते आप, चुप। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।